दोस्तों नमस्कार प्रणाम पहला कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छी होंगी और हम भी एकदम बढ़िया हैं। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज के नए दिन से। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे दिल से राधे राधे। सभी का हमारे YouTube चैनल पहाड़ी नौनी पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक टू सब्सक्राइब। आज के नए दिन से आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और जीविका भी यहाँ पे आ चुकी है। सुबह की शुरुआत ऐसी हुई कि यहाँ पे अभी चादर वाले अंकल आ रखे हैं, चादर ले लो चादर। और मम्मी ने देखते ही सोच लिया कि नहीं चादर नहीं चाहिए। देखो आवाज़ आ रही होगी ना आपको। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छी सी धूप लगी है। आज हमारे स्कूल की छुट्टी है और आज हम कुछ तो कर नहीं रहे और दीदी मेरे साथ खेल ही नहीं रहे। तो गाइस देखिए यहाँ का व्यू, कितनी अच्छी सी धूप खिली हुई है और वहाँ पे एक स्कूटी खड़ी हो रखी है। आप देख सकते हैं वो क्यों हो रखी है, उसका रीज़न भी मैं आपको अभी बताती हूँ। फिलहाल आप यहाँ के नज़ारे देखिए। कल ना इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, हम उस समय स्कूल में थे, 9:30 बजे की बात होगी। उस समय हमारा सेकंड पीरियड चल रहा था और तभी इतनी तेज़ बारिश आई ना, मैं क्या बताऊँ। रास्ते में जितने भी गड्ढे वगैरह थे ना, सब ऐसे भर रखे हैं, बिल्कुल फुल हो रखे हैं और रास्ते में हो रखा है बहुत सारा कीचड़। तो जो मैंने आपको यहाँ पर स्कूटी दिखाई थी वो इसलिए यहाँ पर खड़ी हो रखी है क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है ना, तो उस वजह से यहाँ पर मछलियाँ भी आ रखी है पानी के साथ। तो वही यहाँ पर लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए आ रखे हैं, तो उन्हें भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मम्मी ने कह दिया है कि आप मछली निकालोगे तो थोड़ा हमें भी दिखा देना, तो हम भी आपको दिखा देंगे कि मछलियाँ मतलब किस साइज़ की उन्होंने पकड़ी है। और अभी तो उतनी नहीं पकड़े थे, लेकिन जब पहले मतलब बारिश आई थी ना एक दो हफ्ते पहले, है ना मम्मी? तो मम्मी बताओ, बारिश वरदान या अभिशाप? वरदान है और एक तरफ से ज़्यादा हो जाए तो अभिशाप भी बन जाता है। तो ये बारिश कैसी थी हमारे हिसाब से? तो हमारे हिसाब से ज्यादा वरदान है, क्योंकि देखो एक तो लोगों को लिमिट का हो तो वरदान, अनलिमिटेड हो तो अभिशाप हो। ये देखिए हमारा ये इतना छोटा सा था, देखो कितना बड़ा हो गया है। ये इंटीरियर कम एक्सटीरियर ज्यादा लग रहा है, अलग अलग हो गई। मम्मी आपने इसे ज्यादा ही खाद पानी खिला दिया, चाउमीन मोमो खा के भी बड़ा हो गया। आज मेरा सुबह का ट्यूशन था 6 बजे का और 6 बजे मैं ट्यूशन गई, 6 बजे नहीं गई मैं उठ गई थी 5 बजे। सबके सब सोए थे, मैं 5 बजे उठ के मैं 5:30 बजे तक मतलब मैंने फ्रेश हुई, 5:30 बजे मैं चली गई थी। उस समय अंधेरा हो रखा था और थोड़ी हल्की सी रोशनी थी, हल्की सी, बहुत हल्की सी। और उसके बाद मतलब पूरी जगह सुनसान हो रखी थी, आराम से लग रहा था कि ये सारी रोड मेरी है। और जीविका यहाँ पर कुछ बोलना चाहेगी, बोलो। यार वो तो पहले यहाँ पे जो हेडली था तो वहाँ पे ना बहुत ज्यादा गड्ढे थे ना, बहुत बड़ा, तो वहाँ पे ना तो पानी भरा था और मच्छी भी आने लग गई थी। बोल आगे। सब फ्रेंड्स, मैं आपसे बहुत गुस्सा हुआ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखो अभी मेरे बालों को खींचने पड़ेंगे, मत करना। देखो मेरे बाल कितने बड़े हो गए हैं। अब जिया की किताबें आ चुकी है बाहर, अब देखते हैं। चलो जीविका पढ़ लो। दिखाती हूँ जीविका घर की कॉपी शुरू से, और ये जीविका ने लिखा है। ये भी बैडे लिखा है, 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 ये भी बैडे लिखा है।
क्या लिखा है इसे पढ़ो। लिख रखा है, पढ़ो इसे। फैटी फैटी कैट SITING सिटिंग NEAR मियार आलेक। अभी बज रहे हैं 10 और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और ये मम्मी का नया फोन है। नया नहीं है, आईफोन है। ये आईफोन है, आईफोन एप्पल है, एप्पल एप्पल एप्पल। आपको एप्पल ऐसे नहीं लगता, जो एप्पल का फोन होता है उसका लोगो ऐसे लगता है जैसे कि किसी बाबा ने आधा आधा एप्पल खाया हो, आधा वही छोड़ा है ना। मम्मी आधा मम्मी मम्मी मामा है ना हमारे, तो ना चल ले पहले चलना सीख ले ना। तो ना मिठी दीदी ना बता रही थी मैं ना एप्पल फोन है ना। हाँ है। तो ना तो उसमें ना लॉक भी नहीं है, ऐसे अगर वो बंद रहता है और उसके बाद होते ये बटन खुला होता है उसके बाद वो खुल जाता है और उसमें कोई लॉक नहीं होता। लॉक नहीं लगा रखा होगा। नहीं लॉक है इसमें। ऐसे कोई बात हुई? हाँ तो ठीक है फिर। मेरा जी ऐसा से बोले ऐसे कि इसने खोली होगी फोन की दुकान। क्या है ये? बटू बटू ये टीचर की लड़ी मेरे से बड़ा बाहर का मैं बताती तो इधर करूंगी। चलो स्टेट करती हूँ इस कॉपी को उधर रखी। अभी हम यहाँ पे अनबॉक्स कर रहे हैं अपने माइक को जो कि है K8 वायरलेस माइक्रोफोन। ये हमने तब ले लिया था जब हमने अपना फ़ोन लिया था और 6-7 महीने हो गए ना हमारे फ़ोन को। हाँ और तभी हमने लिया। हाँ 7-8 महीने हो चुके हैं और तभी हमने ये भी लिया था उसी दिन। और इसकी कॉस्ट हमें लगी थी 600 रुपीज़। और उस टाइम पे और तब से ना हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हमारे पास हम ये भी ला रखे हैं, क्योंकि उस दिन हम लाए और इसे रख दिया वहीं ऊपर। और अभी मैं यहाँ पे कुछ देख रही थी तभी मेरे को मिला ये, तो चलो इसे यूज़ करके देखते हैं। और आज से हम इसे यूज़ करेंगे अपने ब्लॉग में, है ना।